गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स पिछले कुछ दिनों पहले क्लास टेन के बच्चों के लिए मैंने कुछ मोटिवेशन सेंटेंस कहा था कुछ देर और बोल देते हैं एक चीज़ और बता दें टेन जो बच्चे पास किए उसके लिए कि जीवन की सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा टेन होता है जिसमें जाने के लिए जिसमें पढ़ने के लिए और जिसको अच्छे से सफल होने के लिए बच्चा बचपन से एक सपना देखता है बहुत सारी बात से समय सुनाई देती रहती है टेन में ये होता है प्रशासन परीक्षा लेता है बहुत सारे पुलिस पदाधिकारी रहते हैं ये से टाइट होता है घूमने देता है वो सब बातें मन में बहुत तरह की डर बनी जाती है इन आज जितने बच्चे टेन पास कर गए हो मैं पुनः उसको कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूँ लेकिन एक बात आगाह कर देता हूं जीवन की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षा है मैंने बार बार कहा पहली परीक्षा जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है अब तो जीवन में कई वर्षों तक कई परीक्षा देनी होगी और यहीं से जीवन के नए रास्ते निकलते भी हैं जिसमें पहला रास्ता होता है इंटरमीडिएट में जाना आज जिस बच्चे का डिसीजन हो गया हो बायोलॉजी लेना है मैं ऐसे बच्चों का पहला क्लास आज ले रहा हूं और सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन क्लास लेता हूं क्लास इलेवन के बच्चों के लिए और इंट्रोडक्शन क्लास में सबसे पहले पढ़ाते हैं इज साइंस विज्ञान किसे कहते हैं देखो इस समझ बहुत सारी बातें हाई स्कूल में सुना होगा बहुत सारे टीचर बताए होंगे जो भी शिक्षक हाई स्कूल में है विद्वान शिक्षक हैं अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं तभी तो तुम तो ट्रेन तो तो में सफल हो गए बढ़िया से लेकिन कुछ बातों में अंतर भी आएगा क्योंकि वहां जो पढ़ाते हैं शिक्षक उनको पता है कि बच्चे लोअर क्लास के हैं थोड़ी अपर क्लास की पढ़ाई होगी वहां पढ़ते थे बायोलॉजी छोटा सा बायोलॉजी था छोटा सा फिजिक्स था छोटा सा केमिस्ट्री था आज मरेंगे विषय तो सबसे विज्ञान कैसे करें इसको समझा और पर छोटी सी डिफिनेशन है ट्रूथ इज साइंस जो सच है वो विज्ञान है सच और विज्ञान कह सकते हैं बिल्कुल जो है सो क्या कहता है मिलता जुलता शब्द है क्योंकि विज्ञान में जो सच नहीं है उसको विज्ञान बाहर निकाल देती है और जो सच है उसी को विज्ञान अपने पास रखती है बहुत दिन पहले साढ़े तीन सौ साल से ज्यादा हो गया न्यूटन साहब के जीवन का उस समय में उन्होंने कहा था फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जिसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बहुत नहीं, पहले उन्होंने कहा था उसमें विज्ञान बहुत कमजोर था उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने कहा था कि कोई भी उठा के सामान फेंकते हैं ऊपर तो नीचे गिरती है आज भी सामान फेंकते हैं तो नीचे गिरती है और नीचे क्यों गिरती है क्योंकि धरती में एक पावर है एक ताकत है एक शक्ति है उसी ताकत का नाम पड़ा उसी शक्ति का नाम पड़ा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन सर 300 साल पहले उन्होंने पहले कहा था आज भी बात है सच है क्योंकि सच है इसलिए विज्ञान में है झूठ हो जाता विज्ञान तो निकाल देता न्यूटन साहब की बात को बाहर निकाल देता तो जो विज्ञान में सच है उसी को कहते हैं क्या कहता है साइंस अब रहा दूसरी बात कि सच कैसे तैयार होता है विज्ञान के प्रति लोगों का भरोसा ज्यादा होता है क्योंकि तो सच बोलता है बोलने से पहले बहुत बात तो जांच परख लेता है हम न्यूटन से बात भी कुछ देर पहले कह रहे थे किसी गेंद गेंद को लो और ऊपर फेंक दो तुम जो फेंकोगे तो देखोगे ऊपर जा रहा है ऐसे ऐसे जो तुमने किया उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट प्रयोग देखोगे क्या ऊपर जा रहा है फिर देखोगे नीचे आ रहा है जो तुम देख रहे हो उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन इसका जो हमारे पास नॉलेज किसी भी वस्तु के बारे में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से आता है उसी को हम प्रूव भी कर सकते हैं, तो किसी भी चीज के बारे में दुनिया में कई प्रकार की चीज है सजीव है निर्जीव है किसी चीज के बारे में अगर हमारे पास सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसका आधार है उसका एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन उसको प्रूफ कर सकते हैं वही सच होगा और उसी को विज्ञान कहते हैं अब आते हैं ये लिखे एनी ऑब्जेक्ट्स कोई भी ऑब्जेक्ट्स कोई भी, भी वस्तुएं दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं उसको दो भाग मार सकते हैं बच्चे तो हाई स्कूल में थे वहां पढ़ा होगा दुम जितनी वस्तुएं दो भाग बड़ा सा सजीव और निर्जीव उसको अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स लिविंग का क्या मतलब लिविंग का यह मतलब नहीं होता है जो सांस लेता है जो घूमता है जो टहलता है जो बोलता है वो नहीं तुमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में उसके बहुत सारे लक्षण हैं हम उस लक्षण पर बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण उसका है रिप्रोडक्शन कोई भी वस्तु की पहचान है सजीव होने का जब अपने ही जैसा दूसरी संतान को जन्म देता है टेबल से टेबल का जन्म लेता है इस कलम से कलम का जन्म लेता है यह लिविंग नहीं है इन आदमी से आदमी का जन्म होता है बिल्ली से बिल्ली का जन्म होता है गेहूं के बीज से गेहूं के पौधे का जन्म होता है इस तरह से सब लिविंग है तो जो लिविंग है नेचर में उन सारे लिविंग वस्तु को कहते हैं ऑर्गेनिजम्स और इस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी और मेरा विषय बायोलॉजी है मैं बायोलॉजी ही पढ़ाऊंगा बायोलॉजी का विच्छेद करें लैटिन टर्म में दो लैटिन टर्म से बायोस एंड लोगोस बायोस का होता है लिविंग लोगोस का स्टडी इसमें लिविंग के स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं एक छोटी बात ऑब्जेक्टिव याद रखो कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है अरिस्टोटल हिंदी में अरस्तु कहते हैं अंग्रेजी में अरिस्टोटल लिखते हैं कुछ ऐसे हमारे महान लोग हुए जिनके हिंदी अंग्रेजी नाम में अंतर है खुद तुम जो उस देश में रहते हो उसका नाम हिंदी में भारत है अंग्रेजी में इंडिया लिखते हैं लेकिन उस भी साइंटिस्ट हैं हिंदी में अरस्तु बोलते हैं अंग्रेजी में अरिस्टोटल लिखते हैं अब है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दुनिया बहुत सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है उसका भी स्टडी करते हैं उसके भी विज्ञान है उसके विज्ञान कौन कौन है बहुत सारे विज्ञान है उसके एक, एक है फिजिक्स केमिस्ट्री जोग्राफी एस्ट्रोलॉजी इट इज बच्चों मुझे लगता है फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम तुम लोग हाई स्कूल में सुना होगा फिजिक्स में जो चीज पढ़ाई होती है बिल्कुल सच बताते हैं शिक्षक केवल जिस चीज के बारे में पढ़ाते हैं वो उनका निर्जीव है पढ़ाते लेंस के बारे में वो निर्जीव है पढ़ाते मैग्नेट के बारे में निर्जीव है लेकिन नॉलेज बिल्कुल सच है तो फिजिक्स में ये है केमिस्ट्री के के में पढ़ा होगा ऑक्सीजन गैस के बारे में कंडेंस के बारे में पढ़ा होगा एसिड के बारे में पढ़ा होगा जो चीज़ पढ़ा बिल्कुल सही था इसलिए साइंस है लेकिन जिस चीज़ के बारे में पढ़ा वो नॉन लिविंग था उसी तरह जियोग्रफी हर हाँ एक चीज और ध्यान दो ज्योग्राफी पर बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ये तो आर्ट्स का विषय है ज्योग्राफी जो कुछ कहता है वो सच है हम हाँ भले उसको आर्ट्स में पढ़ा दें चूंकि ये सच है इसलिए विज्ञान है उस तरह एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र विज्ञान पहले ही हमारा वैज्ञानिक बता देता है कब चंद्र ग्रहण होगा कब सूर्य ग्रहण होगा कैसे बता देता है उसके गण गन, गणित होते हैं कैलकुलेशन होता है तो इस तरह से ये कुछ हमने लिखा है नॉन लिविंग साइंस के बारे में फिजिक्स है केमिस्ट्री है ज्योग्राफी है एस्ट्रोलॉजी तो है।, है हमको लेकर पढ़ाना है बायोलॉजी तो सीधे आएंगे कहाँ लिविंग के बारे में हम अध्ययन करेंगे बायोलॉजी में ठीक है ओके देखो जैसा कि हमने कहा इसके पहले कि नेचर में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं दो प्रकार के हैं लिविंग और नॉन लिविंग हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे हैं नेचर में जितने भी लिविंग्स हैं बच्चे तुम लोग हाई स्कूल में संभवतः हो सकता है दो ही प्रकार का लिविंग का नाम सुना होगा एक एनिमल एक प्लांट्स देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को क्या एनिमल कौन है हम लोग एनिमल का डिक्शनरी पढ़े हैं हिंदी जानवर और बच्चों से पूछते हैं तुम जानवर हो तो नहीं सर एनिमल हो तो नहीं गलत बात हम लोग एनिमल हैं एनिमल की हिंदी जानवर कहना ही अपने आप में गलत हो गया एनिमल का हिंदी होना चाहिए प्राणी कोई भी जीव और उस जीव में नाम है जैसे मिठाई का नाम होता है ना बहुत सारा फल का नाम होता है ना आम है लीची है ऐसी एनिमल का नाम है आदमी कुत्ता बिल्ली चूहा वगैरह वगैरह ऐसे ही प्लांट है प्लांट का नाम है आम का पौधा बिल्ली क्या था ये लीची का पौधा केला का पौधा सब प्लांट्स है तो हम लोग एनिमल्स हैं एनिमल और प्लांट्स में क्या अंतर है दोनों तो सजीव है इस पर भी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हाई, हाई स्कूल में इस पर डिस्कशन काफी हो चुका होगा तो एनिमल के स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच है बायोलॉजी में इसका नाम होता है जूलॉजी इसका यदि हम लैटिन देखें जून एंड लोगोस जून मीन एनिमल लोगोस में स्टडी एनिमल के स्टडी को जूलॉजी कहते हैं फिर ऑब्जेक्टिव याद कर लो एक नाम ऑब्जेक्टिव के लिए कि फादर ऑफ जूलॉजी कौन है प्लांट्स लिखे दूसरा लिविंग ए प्लांट्स प्लांट्स के स्टडी का नाम होता है बॉटनी बॉटनी भी एक लैटिन टर्म से आया है बोटैन जिसका मतलब होता है प्लांट्स या हर्ब्स तो इस तरह से और फादर ऑफ बॉटनी का नाम है थियोफ्रास्टस एक तीसरा भी जीव है नाम है माइक्रोविग ये हो सकता है स्कूल में ना पढ़ाई हुई हो अब कॉलेज में आओगे तो पढ़ाई होगी ये कौन सा जीव होता है चुन नेचर में बहुत ऐसे जीव हैं। बहुत ऐसे सजीव हैं जिसको नंगी आंख से देख नहीं सकते उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप होता है बच्चों हमको लगता है स्कूल में माइक्रोस्कोप जरूर दिखाया गया होगा और कॉलेज में दिखाई जाएगी तो ये जो जिस जीव को जिस सजीव को हम नंगी आंख से देख ही नहीं सकते हैं लिखे हैं द लिविंग ऑर्जम विच आर नॉट सीन जिसको हम नहीं देख सकते हैं बाई नेकेड आई नंगी आंख से एंड कैन बी शीन उसको देख सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप ओनली केवल माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपे देख सकते हैं वैसे ही जीव को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एक और नाम है माइक्रोब्स। और इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए जो कि बायोलॉजी है नाम होता माइक्रोबायलॉजी फिर यहां एक ऑब्जेक्टिव है फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी लिवेन हॉक ये तो हम बता रहे थे क्या कहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तीन टाइप हैं इनमल प्लांट्स और माइक्रो ऑर्जम्स और जो बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं या इसी को हम इम्पोर्टेंट चैप्टर भी कह सकते हैं ये बहुत सारे ब्रांचेज हैं हम सब ब्रांच की चर्चा नहीं करेंगे जब किताब देखोगे खास करके क्या कहता है प्राइवेट पब्लिकेशन की बहुत सारे ब्रांच की चर्चा होगी लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांच की चर्चा हम इसलिए कर देते हैं कि इसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है सबसे पहला ब्रांच है मार्फोलॉजी किसी भी ऑर्गेजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एक्सटर्नल कहते हैं बाहर से बच्चों हम तुमको देखते हैं बाहर से तो ना क्या देखते हैं तुम्हारी तो लंबाई चौड़ाई, मोटाई देखते हैं क्या किसी बच्चे का हर्ट देख पाते हैं क्या किसी बच्चे का किडनी देखते हैं बाहर से नहीं तो बाहर से जितना चीज देखते हैं उसी के अध्ययन को कहते हैं मार्फोलॉजी तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बाहरी बनावट बाहरी संरचना उसके स्टडी को मार्फोलॉजी अब और दूसरा एनाटॉमी अंदर का स्ट्रक्चर कोई एनिमल है कोई प्लांट्स है उसके बॉडी का अंदर का पार्ट देखना है कैसे देखेंगे काटना पड़ेगा नाम सुना होगा हम लोग जिस समय स्टूडेंट तुम्हारे तरह तो मेढक को चीरते थे अब तो चीरना नहीं है अब दूसरी तरीके से समझाना है लेकिन चीरने पर क्या होता है आज भी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी को क्या कहता है चीर के सीखते हैं तो यदि किसी एनिमल के बॉडी को चीरेंगे तो क्या देखते हैं कौन कौन सा पार्ट्स है तो अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो किसी भी ऑर्गेनम के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं उसके एनाटॉमी कहते हैं एक ब्रांच है हिस्टोलॉजी टिश्यूज हिंदी में उत्तक कहते हैं अगर किसी टिश्यू का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी एक नाम सुना होगा हो सकता है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी तुमको तो पता होगा कि दुनिया में जितने लिविंग्स हैं सबका बडी बहुत ही छोटे छोटे यूनिट का बना हुआ है नाम उसका सेल है तो किसी भी सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल ही नहीं जैसे हमारा बॉडी है एक बॉडी है बॉडी बहुत सारे पार्ट्स हैं हाथ है पैर है नाक है कान है सेल के बहुत सारे पार्ट्स हैं नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया का गोल्जी का न्यूक्लियस का सेंट्रोजोम का तो उसी तरह यहाँ कोई सेल है या सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं जिसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स उसके स्टडी को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं देखो ये पाँचवा ब्रांच है नाम है बायो केमिस्ट्री इसमें दोनों सब सुना केमिस्ट्री सुना होगा अरे बायोलॉजी से आया बायोलॉजी या केमिस्ट्री मतलब क्या हुआ केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं कि दुनिया में जितने सबस्टांस हैं कोई ना कोई केमिकल सबस्टांस का बना हुआ है और सारे केमिकल सबस्टांस कोई ना कोई एलिमेंट्स के बने हुए हैं हमारे बॉडी में हमारा मतलब मनुष्य नहीं जो भी दुनिया में लिविंग्स हैं उस लिविंग ऑर्गेनियम्स के बड़ी में कौन कौन सा केमिकल सबस्टांस है उस डिफरेंट केमिकल सबस्टांस जो पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनियम्स में उसके बारे में जानना और साथ साथ उसका मेटाबॉलिज्म। अभी तो लोग टेन में केमिस्ट्री में रिएक्शन का नाम सुना होगा जिसको केमिस्ट्री में रिएक्शन कहते हैं उसी को बायोलॉजी में मेटाबॉलिज्म कहते हैं तो ये जो डिफरेंट केमिकल व लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं प्लस उस केमिकल व का जो रिएक्शन होता है मेटावॉलिज होता है लिविंग बॉडी के अंदर उस दोनों के स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं एक बायो फिजिक्स अब फिजिक्स का बायो से क्या मतलब है तो मेरे चेहरे पर चश्मा दिखलाई दे रहा होगा और चश्मा को शौक से नहीं रखा हूँ कहीं ना कहीं मुझे आँख में प्रॉब्लम है तभी तो मैं लगाया हूँ फिजिक्स में पढ़ते हैं लेंस लेंस बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट्स को साइज बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं हमारे आंख में जो चश्मा लगा उसमें लेंस है जो किसी अक्षर के साइज को बढ़ा देता है ताकि हम साफ साफ देख सकें तो पढ़ा फिजिक्स में यूज किया मनुष्य अपने जीवन में उसी तरह स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल ये फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल पढ़ते हैं जिसका संबंध ऑर्गेजम्स के लाइफ से है उन सारे प्रिंसिपल्स जो फिजिक्स के हैं जिसका हम यूज करते हैं अपने जीवन में ऑर्गेनिजम्स के जीवन में उसको कहते हैं बायोफिजिक्स इंडो बच्चे तुम लोग इंडोक्राइनिक ग्लैंड का नाम सुना होगा स्कूल में हमारे बारे में तो हमारे बारे में बहुत सारे इंडोक्राइन ग्लैंड पाए जाते हैं उसके बारे में जानना है उस इंडोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स भी निकलते हैं उन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है इस दोनों के बारे में इंडोक्राइन ग्लैंड और उससे निकलने हार्मोन्स का फंक्शन दोनों के बारे में पढ़ते हैं इसको कहते हैं इंडोक्रायोलॉजी एक हाँ इसकी भी चर्चा नाइन टेन में हुआ होगा बच्चों आज हम देख रहे हैं, हैं हमारा जन्म हमारे माता पिता से होता है उनका जन्म उनके माता पिता से इस तरह अपने जन्म के इतिहास को पीछे की तरफ ले जाएं, कोई दो दुनिया में पहला मनुष्य होगा प्रश्न आता है मनुष्य का पेरेंट्स कौन थे वह कहाँ से जन्म लिए पता चलेगा वो जो पहला मनुष्य था मनुष्य को तो लगता ही नहीं था उसका अपना जन्म या उसका अपना निर्माण किसी और जीव से हुआ मेरे कहने का मतलब है कि जो न्यू स्पेसीज हैं नई जातियाँ होती हैं यहाँ जाति का सेंस हमारा मनुष्य का जो जाति है वो नहीं बायोलॉजिकल जातियां बहिष्क जाति का मतलब होता है एक उस सारे जीव का ग्रुप जो एक जैसा हो देखने में और आपस में संतान उत्पन्न करता हो जैसे सारा मनुष्य एक जाति में आ गया सारा बिल्ली एक जाति में आते हैं तो ये जो जीवों का नई नई जातियां तैयार होती है किससे जो पहले से मौजूद था नेचर में जिसको प्री एग्जिस्टिंग स्पेसी उससे तैयार होता है लेकिन जो तैयार होने का तरीका है बहुत स्लो है धीरे धीरे परिवर्तन होता है और जैसे समय बीतता है धीरे धीरे परिवर्तन होता है और नए जीव आ जाते हैं ये जो नए जीव आते हैं पुराने जीव से समय बीतने के साथ उसके परिवर्तन से इसी को कहते हैं इवोल्यूशन हालांकि इसका एक और नाम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इकोलॉजी इकोलॉजी क्या हुआ नेचर में कई प्रकार के लिविंग्स हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं उसकी आपस में रिलेशन क्या है एक रिलेशन तो साफ साफ दिखाया देता होगा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है चूंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड देता है सनलाइट से सन सं... सनलाइट लेता है सन से अर्थ से पानी लेता है और फोटो सिंथेस करके ऑक्सीजन बनाता है फिर ऑक्सीजन हम ले, ले लेते हैं इसको तो हमारे और प्लांट्स के बीच कोई संबंध है हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वो हमको ऑक्सीजन देता है और भोजन देता है लेकिन केवल लिविंग से लिविंग का मतलब नहीं है लिविंग को नॉन लिविंग से हम पानी कहां से लेते हैं पत्ते पानी कहां से लेती है पौधा पानी कहां से लेता है जमीन से जो नॉन लिविंग है मेरे कहने का मतलब है नेचर में जितने है, लिविंग्स हैं सभी लिविंग्स के बीच आपस में कोई ना कोई संबंध है कोई ना कोई रिलेशन है उतना ही नहीं उन लिविंग्स को इस ऑर्गेनिज्म को अपने वातावरण से भी संबंध है रिलेशन है उसी रिलेशनशिप के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं इथोलॉजी यह इथोलॉजी एक प्रकार का स्पेशल टाइप का ब्रांच है बायोलॉजी में और इंटरेस्टिंग ब्रांच भी है इसमें एनिमल्स का बिहेवियर व्यवहार उसके पढ़ते हैं जैसे देखा होगा जब बारिश होने लगती है बादल लगता है तो मनुष्य क्या करता भाग आता है घर के अंदर रास्ते में बारिश पकड़ता है किसी को दुकान में घुस जाता है लेकिन मोर को देखो जब बादल लगती है तो घर से बाहर निकलता है अब बारिश होती है तो खुश होकर डांस करने लगता है ये उसका व्यवहार है बंदर को देखो उछल कूद करता है कभी कभी बच्चों को डांटते रहे बंदर कहीं का तो क्यों बंदर कहते है? कहां कहते शेर कहीं का तो इस कुछ जीवों का व्यवहार बड़ा विचित्र होता है स्पेशल होता है पिकुलर होता है कौन सा जीव नेचर में किस तरह के बिहेवियर का उसी के स्टडी के लिए कहते हैं ब्रांच है इथोलॉजी जेनेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है भी तुम देखते होगे माता पिता से बच्चे जन्म लेते हैं कहते हैं ब, बच्चे माता से मिलता है पिता से मिलता है पिता के पूर्वज से मिलता है इस एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी कैरेक्टर आ जाता है लक्षण आ जाता है हेरिडिटी करते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बच्चे माता पिता का फोटो स्टेट हो जाते हैं बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा नहीं है कुछ डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस को वेरिएशन कहते हैं तो अगर समानताएं आई तो क्यों आई अंतर आई तो क्यों आई इसी को अध्ययन करने के लिए एक ब्रांच है नाम है जेनेटिक्स जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या करते हैं नेचर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग्स हैं वो नेचुरल है हम नए तरह के लक्षण वाले जीव तैयार करते हैं कैसे तो हमारे बड़े जितने लक्षण हैं हम गोरे हैं काले हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है कौन बनाया है सारा लक्षण जीन तैयार किया है कुछ जीन को मिला करके नए लक्षण वाले जीव तैयार करते हैं जो कहते हैं डिजायरेबल जीनोटाइप वो तैयार करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हम स्टडी करते हैं कि डिजायरेबुल जीनोटाइप इच्छानुसार जीनोटाइप वाले जीव को बनावे कैसे तो जीन पुल के कॉम्बिनेशन से और जीन के सिंथेसिस से मोलिकुलर बायोलॉजी लाइफ मोलिकूल कहते हैं किसको जो हमारे जीवन के लिए और काफी आवश्यक है ऑप्शन दो मोलिक्यूल काफी आवश्यक है एक प्रोटीन है दूसरा न्यूक्लिक एसिड है जिसको कहते हैं बाद में डीएनए आरएनए तो ये जो लाइफ मॉलिक्यूल्स है उसका साइज बड़ा होता है इसलिए उसका अध्ययन माइक्रो मोलिकुल्स इस माइक्रो का स्ट्रक्चर और फंक्शन का अध्ययन करते हैं और मैक्रो खास कर किसका वो प्रोटीन और न्यूक्लिएसिड का जो आवश्यक है लाइफ के लिए तो इस प्रोटीन न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर फंक्शन के स्टडी को मोलिकुलर बायोलॉजी कहते हैं एक है पेलियोटोलॉजी ये भी इंटरेस्टिंग भी है सुना होगा डायनासोर का नाम लेकिन डायनासोर एक ऐसा जीव था है नहीं सच ये भी है किसी मनुष्य ने नहीं, नहीं देखा नहीं पढ़ते तो है कहते हैं न लंबाई चुराई इतना था कैसे जानते हैं मैं अपनी बात करता हूं मैं गांधी जी को नहीं देखा चूंकि गांधी जी को मंडी बाद मेरा जन्म हुआ फिर कैसे हम जानते हैं कि गांधी जी हमारे देश में आए इतिहास बताता है उसी तरह डायनासोर आया नेचर में कौन बताता है पेलेटोलॉजी बताता है चूंकि डायनासोर जब आया मर गया उसके बड़ी का हड्डी का कुछ टुकड़ा जमीन के नीचे दब गया उस बडी के पार्ट्स को फॉसिल्स कहते हैं तो या तो बॉडी का पार्ट्स होगा या पार्ट्स का कोई इंप्रेशन होगा दाग होगा जमीन पर या चट्टान पर या नहीं कुछ भी पार्ट्स क्या कहता है बदल गया होगा हड्डी है तो हड्डी बदला हुआ होगा इसी सब पार्ट्स को देखने के बाद पता चल जाता है कि उस जमाने में जब हम नहीं थे तो कौन किस कि, किस किस तरह का एनिमल था किस किस तरह का प्लांट था तो उस रहस्य को बताता है जो मनुष्य का पूर्वज भी कभी नहीं देखा आज हम जान लेते हैं इसी को कहते हैं पेलेंटोलॉजी स्पेस बायोलॉजी स्पेस का तो जगह नहीं है यहाँ स्पेस का अंतरिक्ष जमीन को छोड़ के धरती को छोड़ के बाकी पार्ट सुनते हो कभी चंद्रमा पर जाते हैं हमारे साइंटिस्ट क्यों जाते हैं घूमने नहीं जाते हैं पैसा ऊपर खर्च होती है देश का घूमने के लिए नहीं वो ये देखने जाते हैं कि वहाँ लाइफ का क्या चांस है लाइफ है कि नहीं है या फिर वहाँ लोगों को मनुष्य को भेज दिया जाए लाइफ बचेगा या नहीं बचेगा तो वहाँ लाइफ का क्या चांस है वहाँ लाइफ है कि नहीं उसी के स्टडी के लिए जाते हैं तो आउटसाइड दी अर्थ जो लाइफ का स्टडी करने जाते हैं इसी ब्रांच को कहते हैं स्पेस बायोलॉजी देखो कुछ और ब्रांच की चर्चा हम कर रहे हैं एक है टैक्सोनॉमी यह भी बहुत बारी पीठ होगा बायोलॉजी में इसमें हम क्या पढ़ते हैं किसी ऑर्गेजम्स के बारे में पहचान हम कैसे पहचानते हैं कि ये मछली रोहू है ये मछली बुआरी है कुछ लक्षण तो होगा कैसे पहचानते हैं ये अमीबा है पारामिशियम है कुछ तो लक्षण होगा तो जीवों को पहचानने का तरीका बताया जाता है नोमिल क्रेचर नाम देना बताया जाता है और क्लासिफिकेशन कि किस ग्रुप के रहने लायक है तो बायोलॉजी में बहुत सारे प्लांट्स हैं एक है टैक्सोनॉमी जिसमें अध्ययन करते हैं किसका का का आइडेंटिफिकेशन पहचान नोम क्रेचर नाम देने का तरीका और साथ में क्लासिफिकेशन वर्गीकरण तो ये जो है टैक्सोनॉमी हो गया जू जोग्राफी देखोगे नेचर में दे बहुत सारे एनिमल हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन दुनिया के हर जगह पर सारे प्लांट्स सारे एनिमल्स नहीं हैं खुद इंडिया की बात करो मैं दरभंगा और बिहार में रहता हूँ मेरे दरभंगा में कोई बढ़िया सेब का पेड़ नहीं है लेकिन दरभंगा में सेब मिलता है वो सेब का पेड़ कहाँ है कहता है काश्मीर में काश्मीर से आता है मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ दरभंगा में सुंदर सुंदर आम के पेड़ हैं आम के फल हैं जो यहाँ का आम अपने प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाता है दरभंगा कहा मुजफ्फरपुर है लिची है स्पेशल टाइप के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। कुछ तो कारण है कि वही कैसे बहुत अच्छे होते हैं तो सकता है एनिमल की बात करो कंगारू हमारे हिंदुस्तान में नहीं है कुछ कंट्री में तो है मोर की बात करो दुनिया के सभी कंट्री में नहीं है कई कंट्री में तो है तो कौन सा एनिमल कौन सा प्लांट धरती में कहां है क्यों है वहां इसी के बारे में अध्ययन करते हैं इसको कहते हैं जू ज्योग्राफी स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम जीवो का जो वितरण हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ग्लोब पर धरती पर कैसे हुआ कहां हुआ क्यों हुआ इसके स्टडी को कहते हैं जू जोग्राफी दो मिनट बच्चों और लेंगे समय ये जस्ट इलेवन में जा रहे हो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाई कर लिया जितना ही बता देते हैं कोशिश करो एक दिन दो दिन में याद कर ले हम फिर बहुत जल्दी इसके बाद का वीडियो हम तैयार करके भेजने वाले हैं ओके थैंक्स